विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। आज महकमे सेहत के लोगों के साथ एक मीटिंग असेंबली में मुनक़िद की गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामाटीपुरा में 42 करोड़ रुपये मंजूर हुए, जिसके ज़रिए 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ उपगुड़ा, ये UPHC बल्लागुड़ा में, उसको अपग्रेड कर रहे हैं 100 बिस्तर का दवाखाना बनाने के लिए, जिसके लिए 45 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। और फिर बारकस के CHC बिल्डिंग, उसको एक स्लैब उस पर और एक एक फ्लोर डाला जा रहा है, जिसके लिए 11 करोड़ रुपये उस पर खर्च होंगे। और फिर वहाँ पे 1 करोड़ के कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बारकस हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हलके असम्बली मलकपेट में दबीरपुरे में, वहाँ पर जो छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है, उसको वहाँ पर भी 100 बिस्तर का एक दवाखाना 42 करोड़ रुपये के सरफे से मंजूर हुआ है। और हलके असम्बली याखुदपुरे में भी 50 बिस्तर का दवाखाना SRT कॉलोनी में मंजूर किया गया, उसके लिए 21 करोड़ रुपये का सरफा होगा। फिर चारमीनार निज़ामिया टीबी कॉलेज का हालिया अरसे में हमने दौरा किया था, तो उस बिल्डिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए भी 9.5 करोड़ रुपये उस पर सर्फ होंगे। और फिर पूरे दवाखाने पर, चारमीनार के दवाखाने निज़ामिया टीबी हॉस्पिटल के लिए 78 करोड़ रुपया का एस्टीमेट बनाया गया है, उसकी भी मंजूरी दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर में चारमीनार टिबी कॉलेज के लिए, फिर कामाटीपुरा के लिए चंद्रायन गुट्टे में 2 हॉस्पिटल्स के लिए, मलकपेट में 1 हॉस्पिटल के लिए, और फिर याखुदपुरे में 1 हॉस्पिटल के लिए जुमला 240 करोड़ रुपये की मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल की। और बहुत जल्द इसका संगे बुनियाद रखा जाएगा और यहाँ पे इन दवाखानों के तामीर का आगाज़ होगा।